गुड इवनिंग अनिल। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं चार्जेस के बारे में, बराबर। चार्जेस जो है वो दो टाइप में होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रेफर कर रहे हो तो आप रेफर कर सकते हो चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर आप नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ रहे हो तो आप रेफर कर सकते हो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन जो प्रोटॉन होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम होता है, बराबर। ये जो कूलम वर्ड है वो चार्ज का यूनिट है, बराबर, घबराने की जरूरत नहीं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो है -1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अगेन जो कूलम है वो चार्ज का यूनिट है, एसआई यूनिट है। फिर आते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज पर, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वी ऑलरेडी नो इट इज कूलम, और आप उसे अगर डिनोट करोगे तो आप कैपिटल सी से उसको डिनोट कर सकते हो, बराबर। फिर एक रिलेशन है कि भाई एक कूलम चार्ज में कितना होता है, मतलब एक कूलम चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये कैसे रिलेटेड है। तो याद रखिए कि नंबर एक कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन इज गिवन बाय रिलेशन क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेर क्यू इज वन कूलम चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमारे पास सवाल भी पूछते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम चार्ज। आप ये फाइंड करके बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तब हम कहेंगे भाई कि वहां पर एक कूलम चार्ज है, बराबर। तो वो चीज हमें फाइंड करना पड़ता है। तो वही जो रिलेशन है अपना यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई, बराबर। यहां पर जो हमारा क्यू है वो वन कूलम है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे हमें फाइंड करना है, और ई जो है वो है 1.6 इंटू 10^-19। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अच्छा, यहां से दोनों कूलम कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा कि 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10^-19 इज इक्वल टू एन। तो एन यहां रख दिया, इसको हमने नीचे लेके आ गया, बराबर। अब तो सिर्फ मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन है, लॉ ऑफ इंडेक्सेस यूज करके इसको ऊपर भेज दो आप 10^-19 को, तो ये जाकर ऊपर क्या बन जाएगा 10^+19। तो ये 1 × 10^+19 अपॉन 1.6 इक्वल्स टू एन, बराबर। अब ये यहां पर 1.6 है, एक काम करते ये पॉइंट को इधर 1 के पास दे देते हैं, तो कुछ ऐसा होगा ये 10 हो जाएगा, ये पॉइंट यहां चलेगा, तो और ऊपर वो 10^-19 रहा और ये 16 हो गया इंटू, अगेन ये डिवाइड नहीं होगा 10 और 16। तो हम एक काम करते ये 10^19 जो है ना उसे एक जीरो और ले लेते इसके पास, तो ये कुछ ऐसा जाएगा 100 × 10^18, ये 16 इक्वल्स टू है। अब 100 और 16 को आप डिवाइड करो, 100 और 16 को जब डिवाइड करोगे आप तो समथिंग लाइक दिस विल कम 6.25 × 10^18 इक्वल्स टू है। तो क्या पता चला हमें कि n यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो लगभग 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब क्या होगा, एक कूलम चार्ज होगा। तो हम इस बात से ये भी बोल सकते हैं कि जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है वो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है, जो कूलम है वो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है, बराबर। क्योंकि वहीं पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन सी दैट 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं सिर्फ एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए, बराबर। तो अगेन एक बार अगर आपको समझ में आएगा तो इसको पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एसआई यूनिट, फिर रिलेशन और फिर ये उसका न्यूमेरिकल।